हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ शेयर प्लेन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे रफनेस एच मैक्स, जो है कि आपको फाइंड करना था, जो कि हम लोग इसका डेरिवेशन हम लोग देख चुके थे एस अपॉन कॉट ई प्लस टेन फाई एस, है ना। ये आपका एंड कटिंग एज एंगल है और ये आपका साइड कटिंग एज एंगल और ये आपका फीड है और ये एच मैक्स जो है कि आपका ये जो रफनेस का जो हाइट है उसका मैक्सिमम हाइट जो है कि हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। और आर ए इज इक्वल टू रफ एवरेज रफनेस इज इक्वल टू एच मैक्स अपॉन फोर, और एक फार्मूला आपका है आर ए इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन आर ए। एस एस क्या है, मेरा फीड है, और आर मेरा रेडियस, नोज रेडियस, ठीक है। तो ये भी आपको काफ़ी बार पूछा जाता है गेट में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, जो जो स्टूडेंट इसको इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसका डेरिवेशन आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो है कि आप नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर प्लेन। तो शेयर प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले वो समझेंगे। शेयर ऑफ जो चीफ जो जिस प्लेन पे जो शेयर ऑफ होता है, दैट मीन्स अलग होता है यहाँ से, इसी प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर प्लेन, ठीक है। यहाँ से आपको जो है कि चीफ क्या होता है, ये आपका अलग होता है इस प्लेन पे, ये आपका जो है कि कटिंग टूल है, ठीक है, समझिए इसको फिगर को। और यहाँ पे आपको जो है कि इस प्लेन पे शेयर अप हो रहा है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, शेयर एंगल डिनोट्स द इंक्लाइनेशन ऑफ शेयर प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल टू वर्क पीस एक्सिस, है ना। इस वर्क पीस एक्सिस के पैरेलल में जो एक्सिस है और इसका जो इंक्लाइनेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर एंगल। शेयर एंगल डिनोट्स द इंक्लाइनेशन ऑफ शेयर प्लेन, ये क्या है, ये शेयर प्लेन है। और इस वर्कपीस, ये जो आपका वर्कपीस आपको जो यहाँ पर दिख रहा है, इस वर्कपीस के साथ जो इंक्लाइनेशन है शेयर प्लेन का, उसी को हम लोग बोलेंगे शेयर एंगल, है ना। और शेयर प्लेन हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे ये शेयर प्लेन जिस पे आपका प्राइमरी डिफॉर्मेशन होता है। शेयर प्लेन इज द प्लेन ऑफ प्राइमरी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको जो है कि चीप जो है कि डिफॉर्म होके आपका सेपरेट होता है वर्क पीस से, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर प्लेन, ठीक है। और इसको इस जो एंगल बनाएगा वर्क पीस का एक्सिस के साथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है कि दो तीन फॉर्मूले जो है कि हम ड्राइव करेंगे। दैट पहला जो है कि आपका आर, दैट इज चीफ थिकनेस रेशियो। चीफ थिकनेस रेशियो किसको बोलेंगे, दैट इज टी वन अपॉन टी टू। टी वन हम लोग किसको बोलेंगे, वेयर टी वन इज इक्वल टू अनकट चीफ थिकनेस। ये जो है कि टी वन मेरा क्या हो जाएगा, अनकट, ठीक है, आपको याद रखना है टी वन इज इक्वल टू अनकट चीफ थिकनेस रेशियो। और इसी को बोलेंगे हम लोग डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, कितना डेप्थ हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। तो आप लोग यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये जो आपको T1 है, इसी को हम लोग बोलेंगे अनकट चीफ थिकनेस रेशियो और डेप्थ ऑफ कट। ये जो वर्क पीस है, जब यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेगा, तो इसको जो है कि ये चीफ जो है कि इस डायरेक्शन में फ्लो करता जाएगा। और टी टू हम लोग किसको बोलेंगे, ये है आपका टी टू, ये जो लेंथ है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे टी टू, दैट इज चीफ और थिकनेस ऑफ चीफ, ठीक है। टी टू हम लोग किसको बोलेंगे, टी टू इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ चीफ, थिकनेस ऑफ चीफ, ठीक है। इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ थिकनेस रेशियो। तो इसका चीफ थिकनेस रेशियो का एक और फॉर्मूला है, दैट इज आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है।
अल्फा और अल्फा नोड आपको जो है कि अल्फा भी मिलेगा कहीं, अल्फा नोड भी मिलेगा, तो अल्फा और अल्फा नोड दोनों ही आपका क्या है, रेक एंगल है। ठीक है, रेक एंगल आप लोग, हम कल एंगल हम लोग पूरा समझ चुके थे, ये जो एंगल है इसी को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा नॉट। ठीक है, और थीटा आप लोग समझ लीजिए, ये आपका जो एंगल है इसी को हम लोग बोल रहे हैं थीटा, शेयर एंगल। ठीक है, तो ये जो है कि आपको फाइंड करना है, दैट इज आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये इस बेसिस फॉर्मूले से आपको जो है कि आपको गेट पे आपको काफ़ी बार पूछा गया है। देन आपको जो हम लोग यहाँ जो मेन मेरा जो टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर प्लेन है ना, शेयर प्लेन, शेयर प्लेन को जो है कि फाइंड करना है, दैट मीन्स एंगल आपको फाइंड करना है टेन थीटा है ना। यहाँ से आप लोग थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स दिस। ये फॉर्मूला जो है कि हम अभी हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा नॉट अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा नॉट। ये काफ़ी अभी आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा अगर आप बने रहेंगे वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और हम लोग अभी जो है कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर एंगल, जो थीटा है हम लोग मेन एम है मेरा थीटा, डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर एंगल थीटा, टेन थीटा इजकल टू आर कॉस अल्फा नॉट अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा नॉट। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं आर इजकल टू दिस टी वन अपॉन टी टू, और भी आपको जो है कि गेट में अलग अलग फॉर्मेट में भी दे दिया जाता है, कभी एल के फॉर्मेट में, लेंथ ऑफ चिप के फॉर्मेट में, एल जो है कि आपका लेंथ ऑफ चिप। ठीक है, एल वन एल टू। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है एल टू अपॉन एल वन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सारे नोटेशन हम लोग देख चुके हैं, ए वन मेरा क्या है अनकट चिप थिकनेस रेशियो, टी टू अल्फा नॉट आर। ठीक है, तो आर जो होता है आपका क्या होता है, हम लोग बात किए चिप थिकनेस रेशियो, दैट इज टी वन अपॉन टी टू इज ऑलवेज लेस देन वन, क्योंकि यहाँ पे जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है तो हमेशा जो है कि आपका टी टू जो थिकनेस ऑफ चिप का जो होता है वो आपका ग्रेटर देन हो जाता है। तो ये आपका ऑब्वियसली ये आपका कम होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ये आपका लेस देन वन हो जाएगा। ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टी टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी वन है ना, थोड़ा सा वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जो है कि वो टी टू का जो वैल्यू जो है कि आपका ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लोग बात करें कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बिफोर और आफ्टर, अगर हम लोग जो टी वन और टी टू का अगर हम लोग वॉल्यूम का बात करें दोनों का, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट, जितना वॉल्यूम पहले था और उतना वॉल्यूम बाद में भी होगा, तो ये हम लोग टी वन बी वन एल वन, ठीक है, इजकल टू टी टू बी टू एल टू, क्योंकि आपका यहाँ पे जो विड्थ है, विड्थ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बी वन इजकल टू बी टू हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपका मार्शन थ्योरी का एजम्पन्स भी है। बी वन जो है कि आपका विड्थ ऑफ वर्क पीस, ठीक है, विड्थ ऑफ वर्क पीस, और यहाँ पे जो है कि एल वन और एल टू लेंथ ऑफ वर्क पीस। ठीक है, और ये आपका टी वन टी टू आप समझ रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन, लेंथ ऑफ एल टू अपॉन एल वन, लेंथ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कट कट चिप अपॉन लेंथ ऑफ अनकट चिप। ठीक है, कट और अनकट इज इक्वल टू दिस, ये जो है कि आपको कभी कभी आपको लेंथ के फॉर्म में भी मिलता है, तो आपको याद रखना है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, क्या फाइंड कर रहे हैं, दैट इज आर इजकल टू जो हम लोग साइन के फॉर्म में देख रहे थे, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा नॉट, ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये मेरा है एक, ये शेयर प्लेन है ए बी, और ये जो सी है जो हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं,
तो AC को हम लोग बोल सकते हैं T1, और जिस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए उसी तरह सिमिलरली जो है कि इस टूल फेस पे भी हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग ज्योमेट्री जिसका नाम है D। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन AD टूल फेस, देन AD इज इक्वल टू T2, और इसी AD को हम लोग क्या बोलेंगे T2, है ना। ये आपका अनकट है और ये आपका कट चीफ थिकनेस। देन हम लोग अगर दो ट्रायंगल है, एक आपका ABC और दूसरा है आपका ABD, दोनों में अगर हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABC में, तो साइन थीटा, ये जो आपका ट्रायंगल है साइन थीटा दैट इज P बाय एच, तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये आपका P परपेंडिकुलर हो गया दैट इज AC एंड H इज इक्वल टू AB। ठीक है, देन हम लोग AC को हम लोग लिख सकते हैं T1 और इसको AB, तो AB हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए T1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रेंगल ABC, ये जो मेरा ट्रेंगल ABC जो हम लोग ABD नॉट C, नेक्स्ट ट्रेंगल यहाँ पे जो हम लोग ट्रेंगल जो फॉर्म किए हैं, ठीक है, इस ट्रेंगल पे हम लोग फिर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो इस ट्रेंगल को आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए ड्रॉ किए हैं ABD, ये आपका क्या है टूल फेस, और ये आपका क्या है रेक एंगल अल्फा नॉट, अल्फा नॉट इज इक्वल टू रेक एंगल। ठीक है, आपको याद रखना है रेक एंगल। तो ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है थीटा। ठीक है, और ये जो एंगल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पूरा एंगल अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा नॉट, ये पूरा एंगल। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से फिर से हम लोग साइन साइन लगा रहे हैं, साइन रूल मतलब साइन थीटा इज कल टू P बाई एच, P क्या हो गया AD अपॉन H क्या हो गया AB। ठीक है, AD क्या हो गया T2, और ये आपका यहाँ से आ गया AB इज इक्वल टू दिस T2 अपॉन cos थीटा। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग R इज इक्वल टू हम लोग ला रहे हैं T1 अपॉन T2, ये जब इक्वेट किए दो इक्वेशन को। ठीक है, और ये हम लोग कॉस कैसे लिख दिए, कॉस दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन आया आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा नॉट। आई थिंक अभी तक याद हो गया होगा आपको, मेमोरी में इसको फीड करते चलना है। ठीक है, आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन हम लोग देख लिए, अनदर रिलेशन आर तो हम लोग जानते हैं दैट इज T1 अपॉन T2, इसके अलावा भी जो है कि ये वाला फॉर्मेट भी आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। देन इसी इक्वेशन को जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं आर इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसको जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो ये जो है कि आपका कॉस जिसको बोलते हैं ना कॉस ए माइनस बी, तो उसी के फॉर्मेट में जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो जब इसको जब हम लोग फॉर्मेट में जब हम लोग इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे आर कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस दिस इजकल टू साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में जो हम लोग साइन थीटा से जब हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग साइन थीटा ऑन बोथ साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो है कि आपका आर कॉस के साथ जब साइन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, और ये एज इट इज कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस आर साइन अल्फा नॉट। तो यहाँ से हम लोग कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर साइन अल्फा नॉट अपॉन आर कॉस अल्फा नॉट। आप लोग इसको लेक्चर सुनने के साथ साथ आप लोग इसको
कॉपी में नोट कीजिए, है ना। इसको नोट करने से आपको जो है कि प्रैक्टिस भी होगा और आपके दिमाग भी आपको फास्ट चलेगा, और कुछ अगर मेरे में मिस्टेक होगा तो आपको जो है कि वो भी पता चलेगा, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग कॉट इज कॉट को हम लोग 10 में कन्वर्ट कर दिए, दैट इज़ 1/, इसको रिवर्स कर देंगे तो मेरा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 थीटा इज़ इक्वल टू r cos अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, 10 थीटा, ये जो है कि हम लोग थीटा फाइंड कर लें, है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर प्लेन थीटा, है ना, यहाँ से थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, r cos α0 अपॉन 1 माइनस r sin α0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थीटा फाइंड कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 inverse r cos α0 अपॉन 1 माइनस r sin α0, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको राइज होता है, जब हम लोग इन ऑर्थोगोनल कटिंग वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, जब हम लोग अल्फा नॉट रेक एंगल को जीरो कर लेंगे, द वैल्यू ऑफ शेयर प्लेन कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम चीफ स्ट्रेन कंडीशन, ये जो है कि आपका मिनिमम स्ट्रेन कंडीशन है, तो उस केस में आपको ये कंडीशंस आएगा, मिनिमम चीफ थिकनेस का आपको आर इजकल टू 1 और अल्फा नॉट इजकल टू दिस, तब आपको जो है कि थीटा फाइंड कर लेना है इस कंडीशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे थीटा इजकल टू 45। ये कंडीशन है मिनिमम चीफ स्ट्रेन कंडीशन, है ना, इन ऑर्थोगोनल कटिंग। तो आपको ये काफ़ी बार पूछा गया है, और यहीं से आपको जो है कि ये स्ट्रेन एनर्जी भी आपको फाइंड करने बोलेगा, कि मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है कि आपको फाइंड करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी का एक आपको इक्वेशन डेरिवेशन है, और आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आया है कंडीशन, तो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी आप देख लीजिए, दैट इज 10 थीटा माइनस अल्फा नॉट प्लस कॉट थीटा, है ना, 10 थीटा कॉट थीटा है, लेकिन यहाँ पे 10 के साथ क्या है, थीटा माइनस अल्फा नॉट। तो आपको ये प्रैक्टिस करते करते जो है कि जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, वो ऐसे ऐसे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ये आपका एक कंडीशन है चीफ रिडक्शन कॉफिशियंट, हम लोग चीफ रिडक्शन कॉफिशियंट जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, चीफ रिडक्शन कॉफिशियंट के इज इक्वल टू 1/r, ठीक है, डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ r। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी इन ऑर्थोगोनल कटिंग, कौन कौन सा वेलोसिटी है, आपका कटिंग वेलोसिटी है, चिप वेलोसिटी है, और शेयर वेलोसिटी। जैसा कि आपको डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कटिंग वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी और शेयर वेलोसिटी, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कटिंग वेलोसिटी, दैट मीन्स टूल टूल जो है कि वर्क जो है कि कितना स्पीड से ट्रेवल करके कट कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कटिंग वेलोसिटी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे भी से। कटिंग वेलोसिटी का यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिखे हुए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और पढ़िए और समझिए। कटिंग वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ टूल, वेलोसिटी ऑफ टूल, जैसे कि हम लोग बोलें कि टूल जो है कि कितना स्पीड से वर्क पीस को कट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे कटिंग वेलोसिटी, है ना, रिलेटिव टू वर्क पीस एंड डायरेक्टेड अलोंग द न्यू सरफेस, जो आपका जो कट करके जो न्यू सरफेस हो बन रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ही आपको जो है कि कटिंग वेलोसिटी जाएगा। देन चीफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चीफ, कितना वेलोसिटी से चीफ जो है कि आपका वहाँ से निकल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ चीफ रिलेटेड टू द टूल एंड डायरेक्टेड अलोंग द टूल फेस, किस डायरेक्शन में जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। टूल फेस जो आपका है, जिसको हम लोग रेक फेस बोलते हैं, उसी डायरेक्शन में आपको जो है कि चीफ वेलोसिटी फ्लो करेगा। देन शेयर वेलोसिटी, शेयर प्लेन के अलोंग जो आपका जो वेलोसिटी जाएगा उसको हम लोग शेयर वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो मेरा जो फिगर है, इसमें हम लोग
समझेंगे कि इस प्लेन के अक्रॉस, न्यू प्लेन सरफेस के अक्रॉस ये आपका क्या है, वेलोसिटी जा रहा है ना। देन आपको जो है कि कटिंग वेलोसिटी भी मेरा क्या है, कटिंग वेलोसिटी बी सी मेरा क्या है, चिप वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में जो है कि आपका चिप जाएगा और इस डायरेक्शन में जो है कि आपका शेयर वेलोसिटी, ठीक है। देन इसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वेलोसिटी डायग्राम, जैसा कि आपको वेलोसिटी डायग्राम तीनों को मिला के एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर जो है कि वहाँ से हम लोग समझेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल, और यहाँ से हम लोग सारे को वेलोसिटी को भी फाइंड करेंगे, बी फॉर कटिंग वेलोसिटी, बी सी फॉर चिप वेलोसिटी, बी एस फॉर शेयर वेलोसिटी, बी एस। तो यहाँ पे देखिए आप पहले इसका जो एंगल है वो समझना होगा, तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक नया ड्रॉ कर रहे हैं आप, सो दैट आपको जो है कि इजी हो। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये आपको भी भी का डायरेक्शन आपका ये हो गया भी, ये हो गया आपका भी कटिंग वेलोसिटी, ये आपका हो गया भी सी चिप वेलोसिटी, और ये हो गया आपका भी एस शेयर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये आपका जो है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा नॉट रेक एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये जो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस जगह पे, ये आपको जो है कि क्या है, ये पूरा थीटा है, ठीक है। अब ये तो अल्फा हो गया, अब ये एंगल अगर हम लोग फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये पूरा 90 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा नॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा नॉट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो आपको जो है कि ध्यान रखना है, दोनों दोनों ही एक्सिस से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक यहाँ से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। देन आपको जो है कि यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हम लोग फाइंड किए, दैट इज 90 माइनस थीटा, और ये जो है कि हम लोग फाइंड किए 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा नॉट, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ये एंगल आपको पता चल गया 90 माइनस अल्फा ये थीटा है, तो इसको तो ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं ना दोनों का सम ये करके, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा नॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, ये आपका 90 माइनस अल्फा ये थीटा, और ये आपका जो है कि 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा नॉट, ठीक है। तो अगर तीनों को जोड़ेंगे 180 माइनस दिस दिस कीजिएगा तो आपको ये आएगा, ठीक है। दो एंगल अगर दिया हुआ है तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक लैम्स लॉ और साइन रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे आपका भी एस अगर आपका तीन फोर्स दिया हुआ है, ये जैसे देखिए आपका इस तरह से एफ ए एफ बी और एफ सी, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते थे, एफ सी अपॉन साइन इसके ऑपोजिट का, ठीक है, साइन थीटा, देन एफ बी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन अल्फा साइन अल्फा, साइन लगाना है, साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ ए अपॉन साइन इसका अलग नाम दे दीजिए डेल्टा, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए, एफ एस इज इक्वल टू दिस एंगल साइन 90 माइनस अल्फा, वी एस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फा, सिमिलरली वी इज इक्वल टू दिस एंगल, वी इज इक्वल टू भी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा नॉट, ठीक है। सिमिलरली भी सी इज इक्वल टू भी सी अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए कॉपी में और नोट डाउन कीजिए वीडियो देखते के साथ,
और इसको आपको याद रखना है, ये फाइनल इक्वेशन है, ये बी एस, इसको हम यहाँ पे लिखें बी एस, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिए, साइन 90 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। कहीं कहीं आपको अल्फा और अल्फा नॉट में आपको कंफ्यूजन होना है, दोनों ही सेम है उसका। बी अपॉन साइन 90 माइनस दिस, बी अपॉन ये कॉस हो जाएगा, ठीक है, बी अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा नॉट, बी सी अपॉन साइन थीटा, बी सी अपॉन साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ये वाला रिलेशन बी सी और बी में, बी सी और बी में, तो ये आपको देखिए बी सी और बी में, तो बी सी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बी सी इजकल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन दिस, और ये जो रिलेशन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा नॉट, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बी सी इजकल टू बी इंटू आर, बी मेरा क्या है कटिंग वेलोसिटी और आर मेरा क्या है चीफ थिकनेस रेशियो, ठीक है। तो आप यहाँ से बी सी आप फाइंड कर सकते हैं, बी सी मेरा क्या है सी फॉर चीफ है ना, चीफ वेलोसिटी, एंड बी मेरा क्या है कटिंग वेलोसिटी। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले अभी तक जितना आया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्शेंट एनालिसिस, जिसमें आपका फोर्स डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का एनालिसिस है ना, नॉर्मल फोर्स, शेयर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, शेयर फोर्स, सारा हम लोग स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं टेन थीटा आपको जो है कि याद रखना है आर कॉस अल्फा अपॉन आर साइन वन माइनस आर साइन अल्फा नॉट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर इजकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा नॉट, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है एक बार दो बार, और जो कि आपको एंगल भी आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं डिटरमिनेशन ऑफ शेयर प्लेन, हम लोग को क्या फाइंड करना था कि जो हम लोग जो इक्वेशन जो हम लोग देखे थे तीन इक्वेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं डिटरमिनेशन ऑफ शेयर प्लेन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्स एनालिसिस करेंगे। आपको क्या करना है मेरे वीडियो पे आपको लाइक और कमेंट करना, और इसको शेयर कर दीजिए सो दैट आपको मोटिवेट हमको मिले, और ठीक है, थैंक यू।